हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रश्मि फूड स्टफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ समोसे, आलू के समोसे हैं अंदर। ये भी एक अलग टेस्ट का है फ्रेंड। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी है। ये देख रहे हैं आवाज? और अब देखिए, मैं इसको अब तोड़ के भी दिखा रही हूँ। वाओ, ये देख रहे हैं अंदर का कलर, देख रहे हैं फ्रेंड। चलिए बनाते हैं समोसे और ठंड में समोसे का मजा लेते हैं। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो बनाते हैं। तो मैंने एक बॉल्स में 2.5 कप जैसा मैदा लिया है और अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से गड्ढा कर देते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच जैसा नमक लिया है और छोटी चम्मच अजवाइन 1 चम्मच। इसको आप इस तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। ये जो समोसा का जो डो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। उसका जो डो बनाते हैं ना, कचौड़ी का जैसे बनाते हैं ना, उसी तरीके से डालते हैं। इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच तेल डाला है। अब क्या करेंगे, इसको हम मिलाएंगे। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से अच्छा तेल डालिए तो ज़्यादा खस्ता होगा। अब हम इसे हाथों की सहायता से मिलाते हैं और एक बहुत टाइट डो गूंथते हैं। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा। इस तरीके से देखिए, ये हमारी ऐसे मुठली बन रही है ना, ये देखिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, एक टाइट डो बना लेंगे। ये देखिए, इसको इसी तरीके से एकदम से हार्ड डो बनाना है। पानी तो देखिए 1 ग्लास से थोड़ा कम ही लगा है, पानी मैंने कम ही डाला है। अब इसको हम क्या करेंगे, 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। उसके बाद इसे और अच्छी तरीके से हम मस लेंगे। इसे हम 20 मिनट के लिए ढकते हैं। अब हम समोसे का मसाले की ओर चलते हैं। अब डो तो हमने अभी रेस्ट पे रख दिया, अब क्या है, समोसा का मसाला बनाना है। मसाला बनाने के लिए तो हमें सबसे पहले क्या है, आलू की ज़रूरत है। ये मैंने 4 बड़े साइज के आलू को उबाल के फोड़ लिया। ये रफली फोड़ा है मैंने, ये देखिए एकदम बारीक नहीं फोड़ा है। अब क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, धनिया लिया है थोड़ा सा और थोड़ा पुदीना, पुदीना का मैंने पत्ता लिया, डंठल हटा दिया है। 1 चम्मच और आधा चम्मच, 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच धनिया, साबुत धनिया जो होता है बीज, उसको मैंने मिक्सर में थोड़ा दरदरा पीस लिया। 1 इंच जैसा अदरक और 2 हरी मिर्ची। अब करना क्या है देखिए, सबसे पहले क्या करूँगी मैं, इसको मिक्सी के पॉट में डाल के इसका एक दरदरा पेस्ट बना लेना है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरीके से और इसका दरदरा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा पानी डाल के अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा पेस्ट बनाना है इसका। इस तरीके से डाल के इसका अभी पेस्ट बना के मैं आपको बताती हूँ। अब करना क्या है, अब देखिए इस पेस्ट में हम मसाला मिलाने के लिए क्या करेंगे। मैंने लिया है 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच काला नमक, 1 चम्मच साधारण नमक जो हम के खाते हैं, और 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला। घबराइए मत, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाली हूँ, अगर आप भूल रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये मैंने 1 चम्मच जैसा लाल मिर्च लिया है और 1 चम्मच जैसा धनिया पाउडर लिया है। धनिया कम लिया है क्योंकि मैंने अभी जो ये पॉट रखा है ना पीसने के लिए, इसमें मैंने धनिया डाला था, साबुत धनिया डाला था। अब करना क्या है देखिए, सब चीज़ को एक बॉल्स में आप निकाल लीजिए, मिक्स कर लीजिए सभी को। इस तरीके से डाल के सबको मिक्स कर लेना। ये जो मैं समोसा का मसाला बता रही हूँ, एकदम आपको अलग टेस्ट आएगा इसका, क्योंकि इसका कलर भी थोड़ा अलग दिखेगा, अभी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, और एकदम खाने में भी आपको अलग दिखेगा, जो नॉर्मल समोसे होते हैं उससे कुछ डिफरेंट टेस्ट आने वाला है इसका। इस तरह से मिला के इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं सब। अब क्या करती हूँ मैं, अभी मैं आपको इसको पीस के दिखाती हूँ, दरदरा पीस के दिखाती हूँ। चलिए इसको पीसते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैं पीस के ले आई हूँ, ये देखिए, ये मैंने बोला था ना दरदरा पीसना, पानी मैंने कम डाला था, पानी इतना ही डालना है, ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना है,
ठीक है, अब चलते हैं हम मसाला फ्राई करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड, मैंने एक क्या किया, फ्राई पैन लिया। फ्राई पैन में 1 बड़ा चम्मच मैंने तेल डाल दिया। तेल गरम हो जाता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने कसूरी मेथी लिया है, इसको इसमें डालेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब क्या करेंगे हम, ये जितने मसाले थे जो मैंने मिक्स किया था वो सब इसमें डाल देंगे। डाल के लो फ्लेम पे, मीडियम से लो कर देते हैं, इसको थोड़ा हम भूनते हैं, इसको हल्का हल्का फ्राई करते हैं। भूनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है टेस्ट थोड़ा इसका उभर के आता है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम में ये जो मैंने दरदरा पीसा था ना, पुदीना और धनिया पत्ता ये सब का पेस्ट, वो इसमें डाल देंगे और हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि मसाला जले नहीं। इस तरीके से चलाते हैं इसे, इसका बचा हुआ भी डाल देते हैं। फिर बाद में इसमें हम थोड़ा पानी डाल के भी डालेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है ताकि मसाला जले नहीं। इसको हम 1-2 मिनट तक भूनते हैं। इसी तरीके से भूनने के बाद हम इसमें ये जो आलू लिए थे, आलू डाल देते हैं। ये देखिए इसका कलर देख रहे हैं। मैंने इसमें हल्दी कहीं भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे पीला कलर इसमें लाना है ही नहीं। इसका कलर थोड़ा कालापन पे रहता है इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा मैंने किशमिश और काजू लिया थोड़ा इसका फ्लेवर अच्छा बढ़ाने के लिए, और थोड़ा मैंने मटर लिया। मटर मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। अब इसको हम फ्लेम को कर देते हैं थोड़ा हाई और इसको हम थोड़ा फ्राई करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा फ्राई हो गया। अब मैंने आपको बोला था ना, थोड़ा वो जो मिक्सी में जो मैंने पीसा था, थोड़ा उसमें मैंने पानी डाल के इसमें डाल के थोड़ा फ्लेम को हाई कर दिया ताकि मसाला जो है अच्छी तरह आलू में चला जाए। आप चाहे तो इसमें पनीर के छोटे छोटे टुकड़े भी करके डाल सकते हैं, थोड़ा उससे और टेस्ट बढ़ जाएगा। ये देखिए ये हमारा मसाला बन के रेडी है। अब हम चलते हैं इसका डो को मसल लें और समोसा को फिल कर लें। अब हम देखते हैं हमारा डो कैसा है। ये देखिए फ्रेंड, ये अभी ऐसा है। इसको और क्या है, हमें अच्छी तरीके से मसलना है। इस तरीके से मसल मसल के आपको इसको मिलाना है। इस तरीके से मसलिए। अब इसके क्या है, छोटे छोटे पेड़े बना लेते, बहुत छोटे भी नहीं बनाने, इतने इतने बड़े पेड़े बना लेने सबके। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसके लोइया काट लिए। अब इसको क्या करेंगे हम, इस तरीके से अच्छी तरीके से मसल के इसके पेड़े बना लेते हैं। पेड़े सारे के बना लेंगे, उसके बाद अब हम चलते हैं इसको बेलने के लिए और फिर मैं आपको बताती हूँ समोसा बनाते कैसे। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम, इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। अब इसको हम बेलते हैं। मैंने थोड़ा लोई मोटा ही रखा है, इस तरीके से बेलते हैं। थोड़ा इसमें दम लगाना पड़ता है क्योंकि मैंने हार्ड बेला इसे। ये हमने इस तरीके से बेल लिया। अब क्या करेंगे देखिए, पहले इतना बेल लिया, अब इसको हम बीच से कट कर दिए, कट कर दिए, थोड़ा अच्छी तरीके से करते हैं, ये कट कर दिया मैंने। अब इसकी देखिए मोटाई आप देख लीजिए फ्रेंड, अभी तो ये छोटा है। अभी इसको क्या करेंगे, अब देखिए ये लिया ना मैंने, अब हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, नहीं तो समोसा हमारा क्या बहुत मोटा हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ाया,
मैंने ऐसे कर दिया। ये देखिए, ये मैंने बना लिया। अब देखिए क्या करेंगे। इसको शेप देने के लिए सबसे पहले हम ये किनारे में पानी लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, ये मैंने किनारे में पानी लगाया और इसको इस तरीके से फोल्ड किया और इस तरीके से यहाँ पे पानी लगाया, इस तरीके से कर दिया। ये देखिए, ये कोना अच्छे से चिपकाइएगा। अब क्या करेंगे, हम इस तरीके से हाथ कर लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे फ्रेंड, ठीक है। ये आपका बन गया, सपोज दैट समझिए कोन की तरह बन गया, ठीक है। इसको अच्छी तरह चिपका लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो मैंने आलू करा है उसको फिल करेंगे। हल्का सा दबाइए, वापस दबाइए, बहुत ज्यादा नहीं फिल करेंगे क्योंकि ये फिर फूलता भी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ वापस, ये मैंने नीचे वाला पोर्शन है, एकदम अच्छे तरीके से दबा दीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, वापस अब चारों साइड पानी लगाएंगे, इस तरीके से पानी लगाएंगे। अब क्या है, इधर बड़ा है ना, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से मोड़ देंगे, थोड़ा मोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम चिपका, अच्छे तरीके से चिपका देंगे। ये हमारा बनके रेडी है। देखिए, थोड़ा अब इसको हम हल्का हल्का दबा देंगे, इस तरह से खींचिए ताकि जब हम तले तो ये फूलता है थोड़ा, तो ये स्पेस तक आ जाए। इसी तरीके से दूसरा बनाएंगे। ये देखिए, ये जो मैंने पीछे मोड़ा था ना, उससे शेप सही आ जाता है। ये आप अच्छे तरीके से फिल करिएगा और इसके मुंह को अच्छे तरीके से दबाइएगा। ये हमारा बन के रेडी है। अब इसी तरीके से और बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं एक और आपको बता रही हूँ। इस तरीके से पहले हम पानी लगा लेंगे, पानी लगा लिया। अब देखिए, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, यहाँ पे अब एक पानी लगा लिया वापस। इसको अच्छी तरीके से हम चिपका देंगे, ये चिपकाइएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हाथ में कोन जैसा बना देते हैं। ये कोन जैसा मैंने बना लिया। अब देखिए, इधर का पोर्शन ज़्यादा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड किया और इसको दबा दिया। अब देखिए, शेप अब परफेक्ट कोन जैसा लग रहा है ना। अब देखिए, अब हम इसमें ये आलू फिल करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, आलू ज़्यादा फिल नहीं करना है, थोड़ा ही करना, ठीक है। ये हमारा एकदम कोन जैसा बन गया है। अब देखिए, वापस हम इधर पानी लगाएंगे चारों साइड और इसको हम इस तरीके से चिपकाते हैं। ये देखिए, चिपका दिया। और वापस जितने भी ज्वाइंट है ना, इसको इस तरीके से आप वापस दबा दीजिए। थोड़ा हम इस तरीके से खींचते हैं। ये देखिए, हमारा समोसा बनके रेडी है। ये देखिए, इसी तरीके से और हम बेल लेंगे, फिर उसके बाद हम तलेंगे। ये मैंने सारे समोसे बना लिए फ्रेंड, लेकिन अभी क्या है, इसको आप जो है तलने के पहले 10 मिनट चाहे तो पंखा में छोड़ दीजिए या फिर ऐसे छोड़ दीजिए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मैं ये जो इसमें पानी लगाई हूँ, ये 10 मिनट रखने से क्या होता है, ये पानी से अच्छे तरीके से ये समोसा चिपक जाता है। उससे क्या होता है, जिस समय हम तलेंगे ना, ये अलग नहीं होगा। इसलिए चाहे तो आप पंखा में छोड़ दीजिए इसे चला के, नहीं तो फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन 10 मिनट तक इसको हम रेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद हम तलेंगे। अब समोसा को तलने की बारी है। समोसा देखिए, मैंने थोड़े देर छोड़ दिया था, पंखा में छोड़ा था मैंने। अब क्या करा है, मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में तेल थोड़ा अच्छा डाला है। तेल को अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इस तरीके से डालते हैं। ये देखिए, ऊपर आ गया है ना तुरंत, यानी कि तेल हमारा एकदम परफेक्ट गर्म हो गया है। अब फ्लेम को हम लो करेंगे और धीरे धीरे हम इसमें
समोसा डालेंगे। आराम से डालिएगा फ्रेंड। पहले हम चार ही डालते हैं क्योंकि उलटने पलटने में दिक्कत होगी। अब इसे हम धीरे धीरे केयरफुली पलटते हैं। देखिए आराम से पलटिएगा। इस तरीके से पलट के इसको हल्का गुलाबी होने तक सेकते हैं। ये हमारा देखिए गोल्डन हो गया इस तरीके का। अब हम इसको क्या करेंगे, टिश्यू पेपर में निकाल देंगे। इस तरीके से निकालते जाएंगे। ये निकाल दिया। अब क्या करेंगे, हम जो बाकी बचे हुए हैं हमारे उसको डाल देंगे। आराम से डाल देंगे और इसको हम फिर गोल्डन होके निकाल देंगे। ये मैंने सारे समोसे तल के निकाल लिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा शेप भी है, कितना है। और ये सुन रहे हैं आवाज, ये देखिए फ्रेंड, मैं इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना टेस्टी। और ये कलर देख रहे हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है ना, मार्केट वाला। और टेस्ट भी सही बता रही हूँ, एकदम मार्केट जैसा है। आप भी इसको बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका टेस्ट कैसा लगा और समोसों के कंपेयर इसका कैसा डिफरेंट टेस्ट है। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। थैंक यू।